राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के 7 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति 15 मई से 21 मई तक इन दोनों देशों के दौरे पर हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के ऐसे पहले राष्ट्र अध्यक्ष बन गए हैं जो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी यहां संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद 15 मई से 18 मई तक जमैका में रहेंगे। इस दौरान वह अपने समकक्ष जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति जमैका के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही जमैका में 70,000 की संख्या में प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत के साथ एक जीवंत सेतु का कार्य करता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि 2022 भारत और जमैका के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है ब्यूरो रिपोर्ट IPN।